और वहीं आगरा से इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको दे दें। खनन माफिया का ग्रामीणों ने विरोध किया है। अब ग्रामीणों के विरोध करने का भी वीडियो सामने आ चुका है। यमुना नदी में आधी रात अवैध खनन का खेल जारी है। ग्रामीणों ने बालू से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। डोकी इलाके के समोगर गांव के पास यमुना नदी में खनन चल रहा था और देखिए किस तरह से ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। अधिकारी तो सोए हुए हैं लेकिन ग्रामीणों ने इनका विरोध किया है। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नितिन, ये बताइए कि जो काम अधिकारी का विभागों का होना चाहिए वो आम लोग कर रहे हैं, ग्रामीण अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या है इसकी हकीकत, बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद लगातार कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी और जो भी माफिया है उन पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन इसका उलट साबित हो रहा है। सुचिंदर सिंह जो पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं वो खनन माफियाओं के साथ के सामने पूरी तरह से कहा जाए बेबस नजर आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार इस तरह की वीडियो सामने आ रही है और आगरा में 47 थाने हैं लेकिन आधे थाना क्षेत्रों से लगातार खनन की तमाम वीडियोज आ रही हैं, चाहे वो समोगर थाना क्षेत्र में समोगर गांव में जो यमुना नदी पड़ती है वहां से जबरदस्त तरीके से अवैध खनन चल रहा है, वीडियो आ रही हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। खनन माफिया पूरी तरह से बेखौफ हैं, बेफिक्र हैं, उनको किसी का डर नहीं है। इसके साथ ही थाना एतमादपुर क्षेत्र हो, शमशाबाद क्षेत्र हो, मनसुखपुरा की वीडियो सामने आई है। ये हाल तब है कि जब कुछ महीने पहले तक जब SSP रहे प्रभाकर चौधरी, उन्होंने खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए थे, लेकिन निजाम बदलते ही पूरी तरह से कहा जाए खनन माफिया बेखौफ है। राजस्व के लाखों का चूना लगाया जा रहा है। जो खनन माफिया टास्क फोर्स है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, जिसमें पुलिस के साथ साथ खनन विभाग के अधिकारी होते हैं, प्रशासन होता है, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन विभाग के अधिकारी होते हैं, लेकिन कुल मिला के अवैध खनन आगरा में जोरों पर है और आगरा सीमावर्ती राज्य है जहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान भी लगता है और उन राज्यों के भी जो अवैध खनन माफिया है। साफ तौर पर ये तस्वीरें ये तमाम चीजें जाहिर कर रही हैं नितिन, और देखना होगा कि कब तक नींद टूटती है अधिकारियों की, विभागों की। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।